फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने दो टूक कहा कि कश्मीर मामले में किसी तीसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद राज्यपाल ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। इस फेरबदल में कई पुराने मंत्रियों से बड़े विभाग छीन लिए गए, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों का कद घट गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 37 विभाग रखे हैं। दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया था। तमिलनाडु में लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकी घुसे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि श्रीलंका के रास्ते सभी आतंकी घुसे हैं। इन आतंकियों में एक पाकिस्तानी नागरिक और 5 श्रीलंकाई तमिल हैं। इस अलर्ट के बाद चेन्नई समेत कई जगहों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। INX मीडिया मामले में CBI की गिरफ्त में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की गुरुवार की रात सलाखों के पीछे भी थी। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से उन्हें 26 अगस्त तक कस्टडी में भेज दिया गया है। गुरुवार रात हिरासत के दौरान पी चिदम्बरम के घर से उनके लिए डिनर आया और साथ ही कुछ कपड़े भी आए। CBI ने देर रात तक चिदम्बरम से पूछताछ की। अभी चिदम्बरम को INX मीडिया मामले में जमानत भी नहीं मिली थी कि एयरसेल मैक्सिस केस मामले में उन्हें गिरफ्तारी से मिली राहत 23 अगस्त यानी आज खत्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अब इस मामले में भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक मंदिर की दीवार गिर गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुआवजे का ऐलान किया है। करनाल से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन पर बैठी एक महिला के साथ 8 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक महिला को बहला फुसला कर एक शख्स उसे खाना खिलाने के बहाने एक शेड में लेकर गया, जहां पहले से 7 लोग मौजूद थे जिन्होंने महिला के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पाकिस्तान को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब FTF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। एशिया पैसिफिक ग्रुप के मानकों को पूरा करने में पाकिस्तान विफल साबित हुआ है। पाकिस्तान पर आरोप है कि वो टेरर फंडिंग पर लगाम नहीं लगा रहा। संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक लंबी बहस चल रही है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर चीन और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई, तो वहीं ब्रिटेन कनाडा ने भी धार्मिक भेदभाव को लेकर पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया। MSK प्रसाद की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय सीनियर चयन समिति ने विक्रम राठौर को भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज राठौर अब संजय बांगर की जगह ले सकते हैं, जबकि भरत अरुण और आर श्रीधर का अपने पद पर बने रहना लगभग तय है। बल्लेबाजी कोच पद के लिए राठौर के अलावा मार्क राम प्रकाश भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं।